5 जून से व्यायाम गुरुकुल की न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, जो कि मॉर्निंग में 7 to 8:30 है। बहुत ही अच्छा टाइम है। आपकी व्यायाम गुरुकुल की जो न्यू बैच है वो स्टार्ट हो रही है अपकमिंग 5th of June से। मॉर्निंग में आराम से बैच को ज्वाइन कर लिया, इवनिंग में प्रैक्टिस कर लिया। अगर आप जॉब कर रहे हो तो भी उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, और जॉब के साथ साथ अगर आप क्या बोलते हैं स्टूडेंट हो तो कोई दिक्कत ही नहीं। कैसे हो दोस्तों, मैं हूं अश्वनर, आप देख रहे हैं सेल्फी। क्या क्या करना पड़ता है व्यायाम गुरुकुल में, कैसे हम लोग कैडेट की तैयारी करवाते हैं, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने चल रहा हूं। और लास्ट में आपको यह भी बताने वाला हूं वीडियो क्लास में कि किस तरीके से कौन कौन से मेन टॉपिक है जिनको आप पढ़ लेंगे तो व्यायाम के किसी भी इंटरव्यू को कैसे क्रैक कर लेंगे। गाइस ये एक स्ट्रेटजी है, जिसको पता है वो बहुत अच्छे अच्छे पैकेज गेन कर रहा है, जिसको नहीं पता है वो बेचारा आप सबको पता है कि किस तरीके से जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि व्यायाम गुरुकुल में अगर मीन व्यायाम में अगर करियर बनाना है तो क्या क्या पढ़ना चाहिए। पहले तो व्यायाम गुरुकुल के रूल्स जान लो। देखो भाई, व्यायाम गुरुकुल में जो सिविल इंजीनियर गुरुकुल जो हम लोग तैयारी कराते हैं गाइस, उसमें आपका जो एम होता है हमारे तैयारी का, वो एम ये रहता है कि अगर आपको एक ऑफिस जॉब चाहिए, क्या चाहिए गाइस, ऑफिस जॉब चाहिए, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि व्यायाम के अंदर सारी जॉब ही ऑफिशियल जॉब होती है, 9 to 6 की जॉब होती है, मंडे टू फ्राइडे की जॉब होती है, चाहे रैम्बॉल हो, चाहे विको भी इंडिया हो, चाहे ई कॉम हो, चाहे एटकिंस हो, चाहे न्यूसॉफ्ट हो, चाहे विकसॉफ्ट हो, कोई भी व्यायाम की कंपनीज हैं, सबके सब मंडे टू फ्राइडे वर्किंग रहते हैं मैक्सिमम। तो एक ही फायदा, दूसरी चीज 9 to 6 की जॉब। तो अगर आपको ऑफिशियल जॉब चाहिए, आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, फैमिली के साथ आपको अच्छे से लाइफ को सरवाइव करना है, तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अदरवाइज आप सबको पता है कुछ ऐसी प्रोफाइल्स हमारे डोमेन में है जिनका पता नहीं कि जाना कब है और उसके बाद आना तो बिल्कुल डिसाइड ही नहीं है। नेक्स्ट चीज व्यायाम गुरुकुल के इसमें क्या रहता है गाइस, मींस हमारा एम क्या रहता है, इसमें हम लोग आपको कुछ सॉफ्टवेयर ट्रेंड करते हैं, जिसमें से ऑटो कैड आपको ट्रेंड करेंगे, रेविट आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर एमईपी करेंगे, नेविस वर्क स्केचअप टेक्ला, इसके साथ साथ बीम के सारे कॉन्सेप्ट जैसे कि एलओडी है, बीएम 360 है, स्कैन टू बीम है, कैड टू बीआईएम है, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 8D, ये सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। इसके साथ ही साथ क्योंकि अभी मार्केट धीरे धीरे चेंज भी हो रहा है, तो केवल इतना ही जरूरी नहीं, जैसे कि अभी मैं देख रहा हूँ मार्केट में लोग माइक्रो स्टेशन पे क्वेश्चन पूछ रहे, तो हमने माइक्रो स्टेशन को भी ऐड कर दिया। लोग मार्केट के अंदर सिविल 3D पे भी क्वेश्चन पूछ रहे, तो सिविल 3D को भी ऐड कर दिया। मीन्स जो जो मार्केट में रिक्वायर्ड होती है हम लोग जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग कराते हैं गाइस। यही गुरुकुल की खास बात है कि यहाँ पर JD मीन्स कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है उसको देखिए, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करिए। हर मंडे को आपका मॉक इंटरव्यू होगा, चलिए उसके बारे में भी आपको दिखाता हूँ यहाँ पर आगे, ठीक है। तो इस जो ट्रेनिंग है गाइस, ये ट्रेनिंग किस तरीके से स्पेशल क्यों है, ट्रेनिंग खुल जाए भाई, ठीक है। इसमें ट्रेनिंग का जो सबसे मेन सेंस है गाइस क्या हो रहा है, ट्राई टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस हम कैसे बिल्ड करें पता है, एवरी मंडे को वीडियो मॉक होगा, जिसमें आप सामने रहोगे, मैं आपके सामने रहूंगा, 1-to-1 मॉक होगा। जब मॉक होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि एक मॉक में थोड़ा खराब करोगे, दूसरे मॉक में और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तीसरे मॉक में और कॉन्फिडेंस। हर मंडे को मॉक होगा, हर 15 दिन पर एक कैट टेस्ट होगा, हर महीने आपका एक MCQ या फिर रिटेन टेस्ट होगा। इसे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। दूसरी चीज क्या है गाइस, यहाँ पर हमारा फोकस रहता है क्योंकि हम पूरा एकदम भर नहीं देंगे सीट को, 30 स्टूडेंट्स ही रहेंगे, ठीक है, 30 स्टूडेंट्स को ही हम केवल ट्रेंड करेंगे। तो 1-to-1 एक तरीके से पर्सनल ट्रेनिंग हो जाती है, जिसमें 1.5 घंटा लाइव रहता है, कम से कम 1.5 घंटे लगभग रिकॉर्डिंग रहेगा, और उसके साथ ही साथ लगभग 2 घंटे की प्रैक्टिस, 5 घंटे का अगर हार्डवर्क आपने दे दिया, हार्डली 2 से 2.5 महीने, मीन्स ये जो ये पूरा प्रोग्राम है 4 मंथ का है, मीन्स 4 मंथ का है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर भी है, तो आप उस पर और डिटेल में पूछ सकते हो, अगर कुछ भी पॉइंट छूट जाए यहाँ पर, तो नीचे जो नंबर आ रहा है इस नंबर पे आप कॉल करके इंक्वायरी ले लो। तो इसमें क्या होता है गाइस कि आपको 2 से 2.5 महीने वो सारी चीज पढ़ा दिया था, जो कि एक फ्रेशर से इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, उसके बाद और डिटेल में भी चलता रहता है 4 महीने तक, बट इंटरव्यू के लिए सफिशियंट रहता है। दूसरी चीज क्या होता है गाइस, यहाँ पर आपके लिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता है यार, देखो जो मैं पढ़ा रहा हूँ कोई ऐसा नहीं कि ब्रह्मांड में ये चीजें अवेलेबल नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है, बट एक कंसिस्टेंसी नहीं मिल पाती, एक रोड मैप नहीं मिल पाता है। क्योंकि गुरुकुल के अंदर क्या है गाइस, यहाँ पर डेली असाइनमेंट करना है, डेली सेंड करना है, डेली चेक किया जाएगा, तो आपकी कंसिस्टेंसी बहुत बेहतरीन हो जाती है। उसके साथ ही साथ गाइस यहाँ पर आपको इंटरव्यू के कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी, मीन्स इंटरव्यू में क्या क्या है, चार में पूछेंगे, क्या क्या टेक्निकल पूछेंगे, इतना ही नहीं, आपको बहुत बड़ी कमिटमेंट कर रहा हूँ यहाँ पर, लाइव कमिटमेंट कर रहा हूँ, 80% से ज्यादा क्वेश्चन किसी भी इंटरव्यू में पूछे जाएंगे तो हमारे नोट से पूछे जाएंगे, ये पूरा कमिटमेंट देता हूँ आपके साथ। और ये कमिटमेंट कोई छोटा मोटा कमिटमेंट नहीं है, बहुत बड़ा कमिटमेंट दे रहा हूँ कि किसी भी कंपनी में जाओ 80% क्वेश्चंस हमारे जो हम पढ़ा देंगे उसी नोट से, उसी सिलेबस से, उसी प्रैक्टिस के अंदर से आएंगे। उसके साथ ही साथ गेस्ट यहाँ पर आपका इंटरव्यू तो होगा ही होगा, क्योंकि हर महीने अगर हर हफ्ते इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू फियर तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। आपसे कोई एक बार बोले इंट्रोड्यूस सेल्फ, थोड़ा सोचो क्या बताऊँ, 2 बार पूछे, 3 बार पूछे, डेली पूछे, आपको लगे यार ये तो रोज का काम है,
ठीक है, तो इंटरव्यू फेयर खत्म कर देते हैं। उसके साथ साथ गैस यहाँ पर आपको कोशिश ये किया जाता है कि जितनी भी बेस्ट से बेस्ट कंपनीज है उनमें अप्लाई कैसे करना है, पोर्टफोलियो कैसे वहां पर लगाना है, रिज्यूम उनके लिए कैसे तैयार करना है, पर्टिकुलर कंपनी के लिए रिज्यूम कैसे तैयार करना है, एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम कैसे तैयार करना है, हर एक चीज आपको यहाँ पर गाइड किया जाता है। गाइस पूरा का पूरा आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सब कुछ आपको गाइड किया जाएगा। उसके साथ ही साथ गाइस यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट मेरा ये रहता है गाइस कि अगर आप एक जेन्युइन कैंडिडेट है, मीन जेन्युइन तरीके से सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सर कितना भी मेहनत करा लो मेरी जॉब लग जाए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है ना गाइस, हम लोग पढ़ते क्यों है, कितना भी मेहनत करा लो सर जॉब लग जाए, तो दोस्त अगर आप फिक्स हो कि नहीं सर मेहनत करने के लिए मैं रेडी हूँ, आ जाओ कि मैं अपनी गारंटी देता हूँ गाइस कि अगर आप अच्छे से ट्रेनिंग किए तो जॉब बहुत छोटी चीज होगी और एक से बढ़ के एक जॉब आप 4.5 3.5 4.8 अब वो आपके कम्युनिकेशन और आपके टेक्निकल स्किल्स पर डिपेंड करेगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपने सिलेक्शंस ले सकते हो और बहुत अच्छा आपका पैकेज लग सकता है। तो ये था मेरा एक छोटा सा कमिटमेंट, उसके अलावा आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो मेरे से, यहाँ पर नीचे जो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया है यहाँ से कॉन्टैक्ट कर लीजिए। अब बोलो सर ये तो एक आपने दे दिया समरी कि क्या क्या करने वाले हैं 4 महीने में, इसके अलावा 6 मंथ का इंटर्नशिप लेटर देने वाले हैं, हर सॉफ्टवेयर का इंडिविजुअल सर्टिफिकेट देने वाले हैं, इसका जो गैस फीस रहता है वो फी रहता है 20,000 मीन्स फॉर 4 मंथ, ठीक है, इसको 2 टाइम्स में आप पे कर सकते हैं, 1 टाइम में पे करने पर 3,000 का डिस्काउंट भी रहता है, तो ये आपके लिए बेनिफिट रहता है। बाकी आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। अब लोग सर पूरा ब्रीफ में सिलेबस है क्या 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 पढ़ाएंगे, यस ब्रीफ में है, बट याद रखिए हमारा एकदम कॉन्सेप्ट ये होता है आप आए तो बी में परफेक्ट बने, ठीक है, सिलेबस में जितनी चीजें हैं उनसे ज्यादा चीजें पढ़ के जाए, सिलेबस तो एक होता है कि हाँ एक माइंडसेट बन गया कि हमको ये चीजें आती हैं। तो गाइस बाकी डिटेल में आपको सिलेबस देखना है तो देखो ये पूरा का पूरा सिलेबस हमने यहाँ तैयार किया आपके लिए, और अगर इतना पूरा आपको आता है तो आप बीम के किसी भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, ये भी आप जान लीजिए, ठीक है। बीम के इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि हम यहाँ पर ट्रेनिंग जो गाइस स्टार्ट करेंगे ऑटोकैड से स्टार्ट करेंगे, तो ऑटोकैड के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब आपको बोर नहीं करूंगा, ये स्लाइड्स आपको चाहिए नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप दे रहा हूँ, इस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डायरेक्ट शेयर कर दूंगा, सब कुछ पढ़ लीजिएगा, कुछ भी डाउट रहेगा तो कॉल करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें आपको सब कुछ मैंने बता दिया है कि ऑटोकैड पढ़ाएंगे, उसके बाद ऑटोकैड में ड्राइंग्स प्लान सेक्शन एलिवेशन सबमिशन ड्राइंग वर्किंग ड्राइंग स्ट्रक्चरल डिटेलिंग्स रेरा बिल्डिंग बाय लॉस चेकलिस्ट, चेकलिस्ट मीन्स गाइस जब आप कंपनीज में जाओगे क्योंकि पूरी ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल है गाइस, इसमें सब कुछ लाइव प्रोजेक्ट्स हमने दिया हुआ है, ठीक है, सारे के सारे आप लाइव प्रोजेक्ट्स पर वर्क करने वाले हो, जो मेरे खुद के प्रोजेक्ट्स होंगे या फिर मेरे किसी स्टूडेंट के प्रोजेक्ट हो सकते हैं, बट सारे के सारे आपके लाइव प्रोजेक्ट्स रहेंगे। तो उसमें क्या होगा आपको उसके बाद कॉलम बीम का पोजीशंस कैसे देना है, फुटिंग कौन सा यूज करना है, स्लैब के टाइप सपोर्ट स्टैंडर्ड डोर विंडो के साइज, इसके अलावा रैबिट, ठीक है। हम लोग गाइस कभी भी ये फोकस नहीं करते हैं कि सिर्फ सॉफ्टवेयर सीखा जाए, सॉफ्टवेयर के साथ ये कॉन्सेप्ट्स को सीखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा बेसिक में रैबिट मॉडलिंग एडवांस मॉडलिंग पैरामेट्रिक फैमिली नॉन पैरामेट्रिक फैमिली एलओडीज 2D से लेकर 8D तक रेंडरिंग इनस्केप वॉक थ्रू बीआईएम 360 स्कैन टू बीम कैट टू बीआईएम पॉइंट क्लाउड स्मार्ट बिल्डिंग स्मार्ट बिल्डिंग मतलब होता है गैस इसको बोलते हैं BMS बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, वो सब भी इसके अंदर सिखाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर गैस रैबिट के जो स्ट्रक्चर्स की जो फीचर्स हैं, स्ट्रक्चर में सेंटर लाइन कैसे करेंगे, कैसे रेनफोर्समेंट डालेंगे, स्ट्रक्चरल डिटेलिंग्स कैसे करेंगे, बीम कॉलम की डिटेलिंग कैसे करेंगे, कॉलम की डिटेलिंग फुटिंग की डिटेलिंग स्लैब की डिटेलिंग रेसियर वॉल की डिटेलिंग्स रिटेनिंग वॉल की डिटेलिंग वर्क सेट बेसिक रैबिट स्ट्रक्चर सेटिंग्स क्लाउड कनेक्ट बेसिक MEP इसके आगे सारा सिलेबस MEP का गाइस। उसके बाद MEP के बाद हम लोग टेकला सीखेंगे, टेकला में भी सब कुछ ऑयल टैंक से लेके आप रेलवे स्ट्रक्चर रेलवे का जो ट्रैक होता है वहां से लेके पेट्रोल पंप की केनोपी उसके बाद पार्किंग ये सारा कुछ इसके अंदर आप डिजाइन करने वाले हो। GA ड्रॉइंग कैसे निकालेंगे, असेंबली ड्रॉइंग कैसे निकालेंगे, शॉप ड्रॉइंग कैसे क्रिएट करेंगे कंप्लीट, वो सब कुछ टेकला में आप सीखते हो। मतलब बहुत ही डेप्थ सिलेबस है, एक तरीके से समझिए अगर आप 4 महीने कर लिए ना तो ये आप इंजीनियरिंग के 1 साल में जितना सीखे होंगे या शायद उससे कहीं ज्यादा आप यहाँ पर सीखने को आपको मिल जाएगा। पूरा डिटेल में दिया हुआ है, आराम से आप घर पे बैठ पढ़ लीजिएगा, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा। उसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉल करके वहाँ से भी आप PPT को ले सकते हैं, पूरा डिटेल में देख सकते हैं कि मैथ्स में क्या पढ़ाया जाएगा, थ्योरी मैथ्स में वॉक थ्रू वगैरह क्या क्या है उसके सारी चीज़ें, और उसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज क्या रहता है, एक्स्ट्रा नॉलेज रहता है मीन्स आपको HR के सारे क्वेश्चंस पढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा सा अगर ये कलर दिखेगा क्या भाई, नहीं दिखेगा, रुको भाई कलर ऐसा लेते हैं जो दिखे इसमें, हाँ इसमें सबसे पहले तो आपको ऑटो कैट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, मेरे पास ऑलरेडी मेरा खुद का नोट्स है वो मैं आपको दूंगा, उसके बाद उसके बेस पर आपको कुछ MCQ टेस्ट दूंगा जो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसके बाद रैबिट का भी मैं नोट्स आपको दूंगा, नेविस्वर का भी नोट्स दूंगा, 3DS Max का भी नोट्स, मतलब सबका नोट्स दूंगा,
नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे, उसके बाद एमसीक्यू टेस्ट होंगे, टेस्ट आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। इसके बाद गाइस एचआर के क्वेश्चंस रहेंगे, बीम का जो प्रोफाइल्स होती है बीम में अलग अलग कौन कौन से, बीम कोऑर्डिनेटर क्या होता है, बीम मॉड्यूलर क्या होता है, बीम इंजीनियर क्या होता है, बीम लीड क्या होता है, बीम मैनेजर क्या होता है, सबके क्या रोल्स रहते हैं, वीडीसी क्या होता है, वो सब कुछ यहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है। उसके बाद डायनमो क्या होता है उसका बेसिक नॉलेज दिया जाता है, रीकैप क्या होता है उसका भी बारे में बताया जाता है, एस्टिमेशन भी बताया जाता है, रैबिट के अंदर बेस्ट एस्टिमेशन कैसे कर सकते हैं वो भी यहाँ पर सिखाया जाता है। उसके अलावा एस्टिमेशन के बाद आपको यहाँ पर जो अभी भी करंट में मटेरियल्स मार्केट में आ रहे, जैसे कि कार्बन फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर CFRP या फिर SCP, इस तरीके की जो रेनफोर्स लेट्रोकॉन कंक्रीट, इस तरीके के जितने मटेरियल्स मार्केट में आ रहे हैं उन मटेरियल्स के बारे में भी आपको, क्योंकि बीम का मतलब क्या है, एडवांस करना ना चीज़ों को, स्वाभाविक सी बात है, तो उसके लिए सारी कुछ इसके अंदर ऐड किए जाते हैं गाइस। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे डेंसिटी मिक्स प्रोपोर्शन, मीन्स बेसिक सिविल इंजीनियरिंग अगर आपका कमजोर है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि बेसिक सिविल इंजीनियरिंग हम यहाँ पर सबका सब आपके लिए कवर करा देंगे, ठीक है। तो आपको बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद गाइस यहाँ पर वर्क शेयरिंग, कनेक्टेड बीम, उसके बाद बीम का अलग डिजाइन, उसके बाद कैंट व्याम, स्कैंट व्याम, और उसके बाद लैंडस्केपिंग, ये सब कुछ है। मतलब इस सिलेबस वैसे तो बहुत बड़ा है, ठीक है, मैंने बहुत शॉर्ट में, क्योंकि मुझे पता है कि इसके आगे आप वो सोचो कि थक गए हैं सर, तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नीचे एक नंबर दिया है उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई भी क्वेरीज रहेगा तो यू कैन जस्ट लाइक आस, और आप किसी भी समय पूछ के ये सारा सिलेबस वगैरह भी मंगवा सकते हो। और बाकी व्हाट्सएप ग्रुप पे हम आपको जॉब असिस्टेंट भी देते रहेंगे, मीन्स आपको जॉब भी गाइड कर देंगे कहाँ कहाँ पर ओपनिंग चल रही है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, नीचे कमेंट करना, कौन कौन ज्वाइन करना चाहता है वो भी नीचे कमेंट कर सकता है, किसने बीम सीख रखा है जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा है वो भी कमेंट कर सकता है, तो हो सकता है हमारी टीम, क्योंकि हमारे पास HR टीम भी है, तो हो सकता है आपकी हेल्प हो जाए, तो नीचे कमेंट करिए। यू वांट टू लर्न भी आए, अगर हाँ तो आप यहाँ पर वीडियो कमेंट करिए, आपने सीख रखा है, आप जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हो तो भी आप कमेंट करिए, जरूरी नहीं कि मेरे से सीख रखा है, किसी से भी सीख रखा है आपको अगर जॉब में हेल्प चाहिए तो, क्योंकि हमारे पास टीम है गाइस, तो थोड़े सा आपको हेल्प कर देगी, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। जय हिंद, जय भारत।